डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट मतलब जो भी सामान आप परचेज करते हो और वो वापस रिटर्न करते हो तो वो डेबिट नोट एंट्री कहलाती है। एंड क्रेडिट नोट मतलब जो भी सामान आपने बेचा और कस्टमर ने आपको वापस रिटर्न कर दिया तो वो क्रेडिट नोट कहलाता है। लेकिन अभी इसको समझने का ये भी ज़रूरी है कि मेरा डेबिट नोट है तो आपके लिए क्रेडिट नोट है, और आपका क्रेडिट नोट रहेगा या आपने अगर डेबिट नोट किया तो मेरे लिए वो क्रेडिट नोट है, वाइस इन वर्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप है ना परचेज कर रहे हो और सामने वाले को वापस माल दे रहे हो रिटर्न करके कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टेड है या कोई भी एक्सचेंज करना है, तो आप उससे क्या मांगोगे? आप मांगोगे डेबिट नोट। सामने वाला उसको क्या बोलेगा? उसने तो माल बेचा है ना, तो वो क्रेडिट नोट बोलता है। तो यही कन्फ्यूजन होता है हमेशा सबके साथ में कि हम मांग कुछ और रहे हैं और सामने वाला दे कुछ और रहा है, तो वो हमेशा रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के रखना। सेम ये है ना बैंक के साथ भी होता है। आप लोग के अकाउंट में पैसा है ना आता है तो आप लोग क्या लिख बैंक क्या लिख के दिखता है? 10,000 क्रेडिटेड। बट कम ऑन, मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा था वो तो डेबिट हुआ ना एंट्री। यस, तो रीजन यही है मेन कि जब भी बैंक है ना अपना एंट्री बता रहा है आपको, वो आपका एंट्री नहीं बता रहा है। तो बैंक आपके और बैंक के बीच के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसका एसएमएस देता है। तो बैंक ने आपको 10,000 पे कर दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया, मतलब आपको पे कर दिया, इसके लिए वो हमेशा लिखता है क्रेडिटेड। चलो अभी डेबिट नोट की तरफ आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन जीओटी वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में देखो, जब आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्ट बटन दबाए तो देखो डेबिट नोट ऑल्ट F5 है, क्रेडिट नोट ऑल्ट F6 है। तो ऑल्ट F5 डेबिट नोट दबा देते हैं। अभी राइट नाउ वाउचर मोड चल रहा है यहाँ पे, तो एज वाउचर मोड हमको नहीं चाहिए। कंट्रोल प्लस है, चेंज मोड में गए, यहाँ पे आइटम इनवॉइस में गए, आइटम इनवॉइस में F2 करके डेट डालते हैं। क्वेश्चन में डेट है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल डाल दिया। पार्टी का नाम है एस कंप्यूटर्स, एस कंप्यूटर्स लिया। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है? तो यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर अगेंस्ट नहीं डालना है, डेबिट नोट का नया नंबर डालना है। तो यहाँ पे DN/RET/001 एंटर, और 2 अप्रैल का है, और एंटर करके एक्सेप्ट। लेजर में परचेज लेजर है, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी शॉर्टकट है क्रिएट का। हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट। मेंशन करने का बेनिफिट क्या है? जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में देखोगे तो माइनस वाली एंट्रीज अलग से नजर आएगी। अगर परचेज रिटर्न नहीं लिया और आपने एंटर मार दिया तो परचेज में से ही माइनस हो जाएगा और आपको कभी अलग से दिखेगा ही नहीं कि ये परचेज माइनस कितना हुआ है। अब सीगेट 500 GB 2 पीस 5,000 है, तो सीगेट 500 GB 2 पीस एंटर, 5,000 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 टोटल बिल। नरेशन टाइप ऑफ रेफरेंस, अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आप ले सकते हो और ये PBAPR वाला बिल नंबर डाल सकते हो। अब यहाँ पे टाइप करने नहीं देगा, हम लोग ऑन अकाउंट करेंगे बिकॉज मैंने सारी एंट्रीज नहीं की थी। आपने सारी एंट्री की है तो आपको बिल नंबर चेक करना पड़ेगा, वो डेट क्या है और ये डेट मैच कर देंगे। ऑन अकाउंट एंटर किया, यहाँ पे नरेशन में बीन गुड्स, सॉरी परचेज गुड्स, परचेज गुड्स रिटर्न टू एस कंप्यूटर्स अगेंस्ट बिल नंबर PB/APR/26 एंटर। सो ये हो गई डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न हमने कंप्लीट किया, एक्सेप्ट। अब सेकेंड एंट्री की तरफ आते हैं। सेकेंड एंट्री है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट रेज फॉर रिटर्न ऑफ 3 मल्टीमीडिया कीबोर्ड एट 350 एंड 2 ऑप्टिकल माउस एट 235 फ्रॉम राज टेक्नोलॉजी अगेंस्ट बिल नंबर दिया हुआ है। सेकेंड अगस्त का एंट्री है। सबसे पहले तो ऑल्ट प्लस F6 दबाते हैं क्रेडिट नोट के लिए, F2 करके डेट यहाँ पे डालते हैं, 1 अप्रैल एंटर, पार्टी का नाम यहाँ पे डालते हैं राज टेक्नोलॉजी जो है मेरे पास, और एंटर करके ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। यहाँ पे CN/RET/001 एंटर और एक्सेप्ट। सेल्स लेजर नहीं लेना है, क्रिएट में जाएंगे, ऑल्ट सी शॉर्टकट है। यहाँ पे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट अलग से क्रिएट करेंगे। मैं वाउचर के इसके रिफ्लेक्स होते हैं ना रिपोर्ट में, वो भी बताऊंगा। नेम ऑफ आइटम है मल्टीमीडिया के 3 पीस, मेरे पास मल्टीमीडिया नहीं है तो ऑल्ट सी करके मल्टीमीडिया की बोर्ड बना देता हूँ। अंडर यहाँ पे क्रिएट पेरीफेरल्स
अंडर प्राइमरी कैन शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, येस, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट नंबर्स एक्सेप्ट। कितने पीस थे? दो पीस, तीन पीस है, 350, तीन पीस 350। और ऑप्टिकल माउस चेक कर लेता हूँ, ऑल्ट सी करके, ऑप्टिकल माउस यहाँ पे अंडर पेरिफिलर्स में डाल देते हैं। ओ मैन, स्पेलिंग का गड़बड़ हो गया, टाइप कर रहा हो ना तो थोड़ा सा उसमें यू नो ध्यान कम जाता है स्क्रीन पे, बिकॉज वी आर ओल्ड स्कूल्स। नॉट एप्लीकेबल, यूनिट नंबर्स एक्सेप्ट, एंड टू पीस 235 है ना, हाँ टू पीस 235 एंटर। अब यहाँ पे वापस से अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आपको बिल नंबर मिलेगा, मेरा नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ वापस के, मैंने सारी एंट्रीज नहीं कंप्लीट की है, बट मैं नरेशन में मेंशन करता हूँ, बीन सोल्ड गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम राज टेक्नोलॉजी अगेंस्ट बिल नंबर SAL/1240/17-18 एंटर। तो ये था हमारा क्रेडिट नोट का एंट्री, बहुत छोटा सा इजी एंट्री है, कोशिश करना आप बिजनेस करो तो रिटर्न एंट्री कभी आए नहीं जीवन में, एक्सेप्ट। इससे बाहर आता हूँ अभी मैं, बाहर आने के बाद हम लोग इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल्ट F1 डिटेल करता हूँ, और ये देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अलग से दिख रहा है, परचेज रिटर्न अलग से दिख रहा है। सर परचेज रिटर्न इधर क्यों गया? क्योंकि मेरे ये कंप्यूटर में, इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मेरे पास कोई भी परचेज एंट्री है ही नहीं इसके लिए। हाँ, इसके लिए ये इस साइड आ गया है, राइट साइड में। और यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट में मैंने कुछ एंट्री की थी, इसके लिए यहाँ पे सेल्स में रिटर्न में माइनस में 1520 दिख रहा है। परचेज में कोई परचेज वाली एंट्री है नहीं इसके लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आज सारी एंट्री कंप्लीट कर दूँ, ताकि कल आप लोग के साथ में हम लोग बैलेंस शीट टैली कर सके। कंट्रोल प्लस क्यू करके बाहर आता हूँ यहाँ पे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।